नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। सिमडेगा समाचार में जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन पाएं आपके मोबाइल पर। सभी जितने भी समाचार पढ़ने वाले पाठकों से आग्रह है, कृपया कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाएं। सिमडेगा सेवई के समीप अनियंत्रित होकर मोटरसाइकिल से गिरने से रुसु निवासी दिवाकर प्रसाद गिरकर घायल हो गए। तत्काल स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल सिमडेगा भेजा, जहां पर उसकी इलाज चल रही है। बताया जा रहा है अचानक वाहन चलाने के दौरान खुद से अनियंत्रित होकर गिर पड़े, जिसके बाद सर एवं हाथों में चोट आई है। वहीं सिमडेगा के कुरडेग पक्का बांध के समीप हुए सड़क हादसे में घायल ईश्वर दान कुजूर की पैर में काफ़ी चोटें आई है, जिसको लेकर सदर अस्पताल सिमडेगा के डॉक्टरों के देखरेख में उसकी इलाज चल रही है और अभी ठीक है। सिमडेगा सदर अस्पताल में इन दिनों अचानक मौसम में आए परिवर्तन के बाद लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रही है। छोटी बड़ी सभी प्रकार की बीमारियों में लोग सतर्कता बरत रहे हैं और सदर अस्पताल आकर अपनी स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं। वहीं सिविल सर्जन ने भी लोगों से अपील किया है कि मौसम को देखते हुए सुरक्षित रहें। सिमडेगा भाजपा कार्यालय में प्रदेश प्रवक्ता अशोक बड़ाइक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हुए केंद्र के द्वारा पारित कृषि कानून को किसानों के हित में बताया। उन्होंने कहा, विपक्ष की ओर से बरगलाकर झूठ की राजनीति किया जा रहा है, जिसके कारण किसान भ्रम में आ जा रहे हैं, जो कि एक सोची समझी साजिश के तहत विरोध करने का नतीजा है। वहीं आगे प्रवक्ता ने यह भी कहा कि झारखंड सरकार को झारखंड के किसानों की चिंता नहीं और पंजाब के किसानों की चिंता कर रहे हैं। झारखंड में धान की खरीदारी नहीं होने के कारण धान औने पौने दाम पर बिचौलियों को बेचने पर किसान मजबूर हैं और झारखंड सरकार किसान की ढोंग रचती है। सिमडेगा में SP डॉक्टर शम्स तबरेज के द्वारा क्राइम गोष्ठी का आयोजन करते हुए विभिन्न कांडों से लंबित मामलों को निष्पादन करने तथा फरार वारंटियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने, इसके अलावा बाजारों पर विशेष फोकस देने की बात कही, ताकि जल्द से जल्द सभी कांडों का उद्भेदन किया जा सके। वहीं सिमडेगा की पूर्व विधायक श्रीमती बिमला प्रधान ने भी कहा कि झारखंड सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने की बात कहती है, लेकिन ये पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर फेल है। झारखंड में लगातार प्रत्येक दिन औसत 5 महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं हो रही है, जिसे रोकने के मामले में झारखंड की वर्तमान सरकार पूरी तरह से विफल है। जिसे कहा जाए तो झारखंड की सरकार को इस्तीफा दे देनी चाहिए। सिमडेगा पुलिस को केरसई थाना क्षेत्र के सरेटोली में हुए घटनाकांड का उद्भेदन करते हुए मोटरसाइकिल चोर के 7 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। SP डॉक्टर शम्स तबरेज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हुए जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 18 जुलाई को एक व्यक्ति के 7 मोटरसाइकिल की लूट हुई थी और उसे कुआं में डाल दिया गया था। बाद में इस कांड का उद्भेदन कर 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई। वहीं इस कांड की मामला दर्ज नहीं करने वाले आरोपी थाना प्रभारी को निलंबित करते हुए नया थाना प्रभारी बहाल किया गया है। सिमडेगा में झारखंड नवनिर्माण दल के द्वारा परमवीर अल्बर्ट एकाई स्टेडियम में अध्यक्ष महेश्वर खेरवार की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान आए संयोजक विजय सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों को छलने का काम कर रही है और किसानों के आने वाले दिनों में उनकी फसल का कीमत भी नहीं मिलेगा। हम इसका विरोध करेंगे और आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। उपायुक्त सिमडेगा सुशांत गौरव की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान भूमि विवाद, प्रधानमंत्री आवास, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन सहित अलग अलग तरीके की आवेदन उपायुक्त के समक्ष रखे गए। जिन आवेदनों को ससमय संबंधित प्रतिवेदन के साथ पदाधिकारियों को निष्पादन करने का निर्देश दिया। सिमडेगा अभिहित पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी महेंद्र कुमार ने बताया है कि ज़िले में 12 नवंबर को मोबाइल वैन के माध्यम से फूड टेस्टिंग हुआ था, जिसमें 12 प्रतिष्ठानों के ऊपर मिलावट का पुष्टि हुआ है। उन सभी दुकानों को हमारे द्वारा नोटिस भेजा जा रहा है और साथ ही चेतावनी भी दी जा रही कि जल्द से जल्द मिलावटों को बंद करें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। कोलेबिरा विधायक नमन बिक्सल कुनगाड़ी जलडेगा के लोमबई में ग्रामीणों से बैठक करते हुए उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान विधायक ने कहा कि
केंद्र की मोदी सरकार ने जो कानून लाया है वो पूरी तरह से काला कानून है। यह सरकार अदानी अंबानियों के हाथों में देश को गिरवी रखने का काम कर रही है, जो आने वाले समय में हम केंद्र की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। डीडीसी प्रताप चंद्र किचिंगिया एवं परियोजना निदेशक सलन भुइया के द्वारा जल्डेगा का दौरा करते हुए 22 पड़हा केंद्रीय सरना कार्यालय का स्थल निरीक्षण एवं प्रखंड कार्यालय पहुंचकर किसानों के बीच में बीज का वितरण करते हुए उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने से संबंधित जानकारी दी। वहीं सिमडेगा अदालत में पीडीजे ने अलग अलग मामले में 4 अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज कर दी। पहला मामला मुफसिल थाना का था, जिसमें हथियार के साथ गिरफ्तार आरोपी की जमानत याचिका खारिज की गई। दूसरा मामला सिमडेगा थाना का था, जो सिविल सर्जन के कार्यालय में कर्मी से रंगदारी मांगी थी, उसकी भी खारिज कर दी गई। वहीं तीसरा मामला कुरडेक के था, जिसकी भी 2 लोगों की खारिज कर दी गई। सिमडेगा में वैश्विक महामारी कोरोना का प्रसार धीरे धीरे कम हो रहा है। डीडीसी ने बताया कि सोमवार को सिमडेगा से एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाए गए हैं। वहीं पूर्व के एक व्यक्ति इलाजरत ठीक हुआ, जिसे भेज दिया गया। इसके साथ ही सिमडेगा में अभी सिर्फ 9 पॉजिटिव सक्रिय हैं। सिमडेगा SP ने बताया कि बानो क्षेत्र के स्टेशन रोड में एक लाह व्यापारी के गोदाम तोड़कर करीब लाखों रुपए की चोरी हुई है, जिसकी जांच चल रही है और जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्त में होंगे। इसके साथ धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।